गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हाफ ईयर का, ये एग्ज़ाम है हाफ ईयर का 11वीं का, तो इसको हम हल्का हल करेंगे। तो पहला पर्सन है, 2 घंटे 45 मिनट का टाइम है। पहला पर्सन है पेसेज के बारे में, इसको पढ़ते हैं। ए वेल ड्रेसिंग मैन एंटर है बिग टेक्सटाइल वन शॉप, एक यंग ड्रेस टेक्सटाइल में शाम को प्रवेश करता है। ही वॉज एबल टू द अटेंशन ऑफ द सेल्समैन हु थॉट हिम रिच एंड लाइकली टू मेक हैवी परचेज। तो वह अटेंशन सेल्समैन की तरफ अटेंशन खींचने का ध्यान करता है। वह सोचता है कि वह रिच आदमी है और वह बड़े सामान खरीदना चाहता है। थोड़ा उसका बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। इव सोन द सुपीरियर वेराइटीज ऑफ सूट लेंथ साड़ी, उसको अच्छी सूट लेंथ साड़ी दिखाई गई, बड़ी बड़ी वेराइटीज की। बट आफ्टर कैजुअल एग्जाम दे ही केप्ट मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, लेकिन जांच करने के बाद में वो आगे दूसरे सेक्शन में चला गया, वेयर रेडीमेड गुड्स वर बीइंग सोल्ड एंड फर्दर, जहाँ पर रेडीमेड सामान बेचा जाता था। फर्दर ऑन द होजरी सेक्शन, फिर आगे होजरी सेक्शन में गया। बाय देम द सेल्समैन हैज बिगन टू डाउट हिज इंटेंशन, उसके इरादे पर शंका करने लगा। एंड ड्रू द अटेंशन टू द मैनेजर, और मैनेजर का ध्यान आकर्षित किया। द मैनेजर आस्क्ड हिम व्हाट एग्जैक्टली ही वांटेड, तो मैनेजर ने पूछा तुम आखिर क्या चाहते हो। ही रिप्लाइड दैट ही वांटेड कर्टियस ट्रीटमेंट, वो उसने कहा कि मैं एक शिष्टाचार चाहता हूँ, शिष्टाचार सम्मान जो भी हो, ट्रीटमेंट व्यवहार चाहता हूँ, शिष्टाचार व्यवहार चाहता हूँ। ही एक्सप्लेन दैट ही हैड कम टू द सेम शॉप इन कैजुअल ड्रेस दैट मॉर्निंग, उसने कहा कि वह कल यहाँ पर सुबह मॉर्निंग को आया था। एंड ड्रॉन लिटिल अटेंशन, लेकिन उसने कम ध्यान पाया। इज प्राइड वॉज हर्ट, उसका गर्व घमंड हुआ, मतलब उसको दुख हुआ। ही वॉन्टेड टू असर्ट हिमसेल्फ, उसने अपने आप से ऐसा कहा। ही हैड कम इन गुड ड्रेस ओनली टू गेट डिसेंटेड ट्रीटमेंट, वह इसलिए अच्छी ड्रेस में आया कि अच्छा व्यवहार प्राप्त कर सके, शरीर व्यवहार आपसे प्राप्त कर सके। नॉट फॉर गेटिंग एनी टेक्सटाइल्स, न कि कोई यहाँ पर खरीदने आया। ही लेफ्ट विदाउट मेकिंग एनी परपज, और वहाँ से वो चला गया बिना खरीदे। तो इसके अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला है पर्सन, द यंग मैन वॉज वेल ड्रेस्ड, उस आदमी ने अच्छी ड्रेस पहन रखी थी, क्योंकि ही वॉन्टेड टू, इट वॉज ए बी टू ड्रेस वेल, इट वॉज वेडिंग डे, इट वॉन्टेड टू मीट द मैनेजर ऑफ द सेल, ही वॉन्टेड टू इम्प्रेस द सेल, तो डी सेक्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दूसरा है द सेल्समैन इन द शॉप आर डिस्क्राइब ए पीपल हु पे अटेंशन चीव, तो सेल्समैन इस शॉप में क्या प्रदर्शित करता है कि पीपल ज़्यादा ध्यान किस पर देते हैं, जो यंग है, पेटी है, ओनली रिच कस्टमर, ओनली रिच कस्टमर पर ध्यान देते हैं। फिर अपन आगे चलते हैं, तीसरे प्रश्न चौथे प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो यहाँ पर द मैनेजर आस्क्ड द यंग मैन व्हाट ही वांटेड, क्या कहा कि आप क्या चाहते हो, उसने कहा ही वुड गिव एग्जैक्टली व्हाट ही लुकिंग, तो क्योंकि ही वुड गिव एग्जैक्टली व्हाट ही वॉज लुकिंग, वो वही देगा जो ढूंढ रहा है। दस मैन हैड ड्रॉन अटेंशन तो डिफरेंट, ये भी गलत है। दूसरा ही थोड़ दे कुड डू मोर भी, नहीं नहीं नहीं, ये इसका पहला सही है। ही वुड गिव एग्जैक्टली व्हाट ही वांटेड। दूसरा चौथा देगी यंग मैन मूड अवेट द होजरी सेक्शन बिकॉज, वो आगे मुड़ गया क्योंकि वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन परचिंग एनी थिंग नाउ, वह कुछ भी खरीदने में नहीं चाहता था। आगे है बी सेक्शन, बट डिड नॉट लाइक दैट, क्या आएगा, वांटेड बेटर क्लॉथ या वाज रेस्टलेस, वह ही डिड नॉट लाइक द रेडीमेड क्लॉथ, वांटेड बेटर क्लॉथ या वाज रेस्टलेस, वह बेचैन था, वह इसलिए यहाँ पर आएगा इसमें, ये पहला ही आएगा इसमें, पहला इसमें पहला आएगा, देखिए यही पहला इसमें पहला ही आएगा। वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन परचिंग एनी थिंग, इसमें पहला सही है, तो इसमें पहला आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए पांचवा, द यंग मैन लेफ्ट विदाउट मेकिंग परचेज बिकॉज हिज, वह व्यक्ति बिना खरीदी चला गया क्योंकि हैड कम टू मेक ए पॉइंट फॉर द डिफरेंस इन डिफरेंट एटीट्यूड ऑफ सेल्समैन टुवर्ड्स के जो ड्रेसेस कस्टमर्स, ये इसका क्वेश्चन आगा, क्योंकि वह
कैजुअली डिसाइडेड कस्टमर्स, तो सी सेक्शन इसमें सही होगा। आगे चलती हैं एमसीक्यू में चलती है अपन। देखिए फिर अपन चलते रीड द पैसेज इन आंसर की इंग्लिश, को पैसेज को पढ़ना है और आपको नोट्स बनाने हैं ऑन द हेडिंग ऑफ हेडिंग के नोट्स बनाने हैं, इसको पॉइंट वाइज और एब्रिविएशन का यूज़ करते हुए, और समरी और टाइटल आपको लिखे, जैसे टेलीविज़न के बारे में बताया गया इसमें, तो टेलीविज़न इसकी टाइटल हो जाएगी, समरी इसका 33% हो जाएगा, 33% है जितनी लाइन इसका 33। अब आगे चलते हैं, हाँ एमसीक्यू करते हैं इसके। सबसे पहले एमसीक्यू में सबसे पहले व्हाट डिड द ऑथर ईट फॉर ब्रेकफास्ट इन रिलेशन द पोटैटो लेडी, ऑथर क्या खाना चाहते क्या खाता था ब्रेकफास्ट में पोटैटो लेडी में, थिक इन स्टील चपाती विथ लिटिल बटर शुगर स्प्रेड ऑन, पहला सही है इसमें, थिक ब्रेड विद बटर पहला इसमें सही है। दूसरा व्हाट वर द नेम्स ऑफ द टू क्रूमैन हुम द ऑथर हायर्ड इन रिलेशन, किसको किया था, लेरी विजिल एंड हर्फ सीगलर, दो जनों को किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी तीसरे बच्चे देखिए, हु डिस्कवर्ड टॉम हार्वर्ड कॉपर कार्टन 1992, व्हाट वर द प्रिंसिपल बाय जूली सिस्टम दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, सी ए फिशरीज कास्टलैंड टोरेस्ट कर्पलैंड। अगला देखिए, हु आर द थ्री कैटेगरीज ऑफ द प्लेट माउनिंग वर्जन, टैपलो फ्रैंक और मिस्टर कोकर हैरी सी, हु हाउ वुड यू डिस्क्राइब अंकल कासराव, और टेम्परेट इरिटेबल इम्पेशेंट, तीनों गुण उसमें थे कासराव में। सातवां क्वेश्चन देखिए, आफ्टर द हॉर्स वॉज स्टोलन रिटर्न इट बिकम टफर सिक इल स्ट्रॉन्गर बेटर टेम्पर्ड, तो इसमें क्या आएगा, सिक इल तो नहीं था स्टॉल चुराई के बाद चलाने के बाद में, ए और सी सही है, तो बहुत डी आ जाएगा, ए और सी इसमें सही है। फिर देखिए, हु इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द रेड ड्रेस, मिसेस डॉलिंग, या मिसेस डॉलिंग थी कौन थी अभी पता चल जाएगा, या मिस्टर एसर मिस्टर मिस्टर डॉलिंग डॉटर, तो इसमें मिस्टर डॉलिंग डॉटर, या मिस्टर एस डॉटर, नहीं 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 मिस्टर एस डॉटर आएगी, तो मिस्टर डॉलिंग डॉटर नहीं आएगी, मिस्टर एस डॉटर। द रंगा वाज अबाउट रत्ना क्यूरियस अनइंटरेस्टेड इनवीज एनॉयड, क्या था क्यूरियस। व्हाट वाज अल्बर्ट थ्योरी ऑफ एजुकेशन, गिविंग इन्फॉर्मेशन और टू आइडियाज देन टू फैक्ट्स, ठीक है, लर्निंग ऑल इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, तो ये आ गया दसवीं का। अगला देखिए, देखिए आ रहा हूँ, बाई द नेक्स्ट मंथ ये नेट से वी सेल द प्रोजेक्ट हैव कम्प्लीटेड, है डी आ जाएगा हैव कम्प्लीटेड, बाई बाई द नेक्स्ट के साथ फ्यूचर परफेक्ट। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज करना ए सेम गोइंग टू बाई ए सेम हेड सेम इज, तो सेम इज गोइंग टू बाई, डी सही है। अगला देखिए क्वेश्चन, देर आर विच टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस पर्सनल एबिटेट टू रेगुलर एक्टिविटीज प्रेजेंट इनफिनिट टेंस, विच इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन ऑल फॉर्मेट लेटर्स, तो बी और सी दोनों सही है इसमें, थर्ड दिसंबर है। तो आई टॉक टू द मेजर, कुड आई टॉक टू द मेजर, मे आई टॉक टू मेजर, मे आई टॉक आएगा, मैं आई टॉक परमिशन है, मतलब परमिशन के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट में मैं का प्रयोग होता है, न कि कैन और कुड का। अगला देखिए 16-17 देखिए, ऑल स्टूडेंट ओबे द स्कूल रेगुलेशन, मस्ट ओबे द रेगुलेशन, नियम के लिए मस्ट। यू लाइक टू कंपनी एस टू वन टू है, तो इसमें वुड यू लाइक, वुड यू लाइक आ जाएगा, तो इसमें वुड यू लाइक, तो इसमें आ जाएगा क्या आ जाएगा, वुड यू लाइक, डू यू हैव पोस्ट कार्ड, यस आई हैव, डू यू एनी पोस्ट कार्ड, यस आई हैव सम, भी आ जाएगा। द पार्टिसिपेंट लेफ्ट द सेल मीटिंग इन बिटवीन, तो सेवरल पार्टिसिपेंट लेफ्ट द मीटिंग इन बिटवीन, ही टीचर्स अस क्या आएगा, बायोलॉजी, एंड कोई सा भी इसमें नंदी अबव, नंदी अबव। अगला देखिए, इसमें पैसेज को पढ़ना है, पोएम को पढ़ना है, आंसर द कार्डबोर्ड इज क्या है इन द पोएम, सीनरी फोटोग्राफ, फोटोग्राफ है, ठीक है। द कैमरा हैज, अगला देखिए, कैमरा हैज कैप्चर्ड सम मोमेंट फ्रॉम द चाइल्डहुड, हैप्पी
मोमेंट फ्रॉम द चाइल्डहुड, ठीक है। नेम द पॉइंट ऑफ पॉइंट आई फोटोग्राफ आपको लिख देना है। अगला एक और पोइम्स कहता हमें है, देखते हैं। शेयर द वॉइस ऑफ द रेन, द शॉवर फॉल्स जेंटली, जेंटली आएगा इसमें। द नेम ऑफ द पोइम्स द वॉइस ऑफ द रेन, देयर आर वॉइस ऑफ द रेन, देयर आर टू वॉइस इन द रेन, वन या टू या थ्री, कौन सा इसमें टू आएगा। देखिए आई एम द वॉइस ऑफ द रेन रेज सी पोइम को पढ़ना पड़ेगा तभी आप कर पाओगे इसको। एंड हु आर द आई सेड द शॉर्ट फिलिंग विच स्टैंड टू टेल गिव मी एन आंसर इज हियर ट्रांसलेटेड। आई एम द अर्थ पोइम द अर्थ शेड द वॉइस ऑफ द राइज एम प्लेट ऑफ द लैंड बॉटम लेस सी। कितनी वॉइस इसमें, तीन हो सकती है या थ्री हो सकती है या टू हो सकती है, देखना है मेरे को, इसका पता नहीं है। अगला क्वेश्चन आंसर आ गया, चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट हॉर्न बिल बुक से पूछा गया है। देखिए वाई वॉज द ग्रैंड मदर सेड वेन ओथर वॉज एडमिटेड इंग्लिश स्कूल। ग्रैंड मदर दुखी की थी जब ओथर को स्कूल में प्रवेश दिला गया। वाट वॉज द पोर प्रिंसिप बाइजिकल सिस्टम, ये तो अभ्यसद में। वाट वॉज द फीट गोल्डन कुक रिपीटेड 200 ईयर्स, इसको गोल्डन कुक 2000 ईयर्स को रिपीट क्यों करना चाहता था, मतलब वट वॉज द फीट, उसकी गहराई कितनी थी गोल्डन कुक। वट वॉज द रिजल्ट ऑफ सिटी स्कैन, रिजल्ट का क्या हुआ। वाई डज टेप्लो कंसिडर एगमन टू बी मार्क, तो इसमें क्वेश्चन आंसर आपको कर लेने हैं, शायद इसमें ज़्यादा दिए हुए हैं, कम आ सकता है, देखिए अपने हिसाब से देख लीजिए। फिर अपन चलते हैं। योर राइट एप्लीकेशन बाय एडवर्टाइजिंग जो मैसेंजर पर्सनल आई सी बैंक जॉब एप्लीकेशन के बारे में, तो जॉब एप्लीकेशन है ये, ऑफिशियली लेटर है कलेक्टर स्टिक बैन ऑफ द लाउड स्पीकर ऑफ योर लोकेलिटी, लाउड स्पीकर बैन लगाइए। फॉलोइंग ऐसे टॉपिक लिखे हैं, कोविड इम्पेक्ट ऑफ कोविड ऑन एजुकेशन सिस्टम, फिर लास्ट में है कैंसर, फिर है आपके ब्राइट एपिग्राफ एनी टॉपिक्स इन अबाउट 100 हजेट ऑफ द पासपोर्ट, और भी इसमें चीज़ें दी गई है आपके रिपोर्ट इंसिडेंट, रिपोर्ट में इंसिडेंट या इवेंट का भी है।